हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बायनोक्युलर सिंगल विजन के ग्रेड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बायनोक्युलर सिंगल विजन के तीन ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आपने अभी BSV को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आई विल रिकमेंड यू फर्स्ट कि आप एक बार मेरी बायनोक्युलर सिंगल विजन वाली वीडियो देख लें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो एज वेल। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेड्स ऑफ बायनोक्युलर सिंगल विजन। वर्थ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बायनोक्युलर सिंगल विजन के तीन ग्रेड्स बताए गए हैं। इन तीनों ग्रेड्स का टेस्ट हम सैनेप्टो 4 की मदद से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि इन ग्रेड्स के नाम क्या क्या हैं। ग्रेड 1 साइमल्टेनियस परसेप्शन होता है, ग्रेड 2 इज़ फ्यूजन एंड ग्रेड 3 इज स्टीरियोप्सिस। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि ग्रेड 1 दैट इज़ साइमल्टेनियस परसेप्शन में होता क्या क्या है। साइमल्टेनियस परसेप्शन हमारी आंखों की ऐसी क्षमता होती है जिसकी मदद से हम दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी होंगी जिसे कि ज्वाइन किया जा सके। जैसे कि मैं आपको एक फिगर से समझाती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। इस इमेज में आप देख रहे हैं एक फिगर में एक केज बना हुआ है, पिंजड़ा, और दूसरे फिगर में एक बर्ड बनी हुई है, चिड़िया। तो अगर साइमल्टेनियस परसेप्शन की मदद से हम इसे देखेंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में दिखेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस इमेज का क्या बनेगा, एक पिंजड़ा है एक चिड़िया है, तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा पिंजड़े के अंदर बैठी हुई चिड़िया। तो यही होता है साइमल्टेनियस परसेप्शन। दो अलग अलग इमेज, ऐसी इमेज जैसे कि ज्वाइन किया जा सके, वो हमें कॉम्बिनेशन में दिखती है। तो नेक्स्ट आते हैं ग्रेड 2 पे, दैट इज़ फ्यूजन। फ्यूजन कंसिस्ट ऑफ द पावर टू सुपरइम्पोज 2 इनकम्प्लीट बट सिमिलर इमेजेस टू फॉर्म 1 कम्प्लीट इमेज। तो इसका मतलब है कि फ्यूजन हमारी आइज की ऐसी क्षमता होती है जिसमें कि दो अधूरी लेकिन सिमिलर इमेजेस को हमारी आँख एक इमेज बनाकर देखती है। तो इसमें दो इमेजेस होंगी, लगभग सिमिलर होंगी, और हमारी आइज जो है वो फ्यूजन की मदद से इसे सिंगल इमेज बनाकर देखेगी। तो आइए मैं इसे फिगर के थ्रू आपको समझा देती हूँ। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, पहली इमेज में एक रैबिट है, उसके हाथ में कैरेट नहीं है। दूसरी इमेज में एक रैबिट है, सिमिलर रैबिट, उसके हैंड में कैरेट है। तो हमें फ्यूजन के थ्रू जो इमेज दिखेगी वो सिंगल इमेज दिखेगी, फ्यूज्ड दिखेगी, और रैबिट के हाथ में कैरेट होगा। सो दिस इज़ फ्यूजन। दो इमेज का कॉम्बिनेशन, सिमिलर इमेजेस का कॉम्बिनेशन, और इमेज हमें एक दिखेगी। तो दिस इज़ फ्यूजन। कमिंग टू वर्ड्स ग्रेड 3, दैट इज़ स्टीरियोप्सिस। तो स्टीरियोप्सिस कंसिस्ट ऑफ द एबिलिटी टू परसीव द थर्ड डायमेंशन, दैट इज़ डेप्थ परसेप्शन। इट कैन बी टेस्टेड विद द स्टीरियोप्सिस लाइट्स इन सैनेप्टो 4। तो जैसे कि डेफिनेशन में भी मेंशन है, हमारा ग्रेड 3 दैट इज़ स्टीरियोप्सिस हमें 3D व्यू देता है, 3-डायमेंशनल व्यू देता है हमें स्टीरियोप्सिस। मतलब अगर 2D इमेजेस रखी हैं तो स्टीरियोप्सिस की हेल्प से हम देखेंगे तो वो हमें 3-डायमेंशनल इमेज दिखेगी। तो इसको हम सैनेप्टो 4 से स्टीरियोप्सिस लाइट्स उसमें आती हैं उसे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए फिगर से मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इस इमेज में जो फिगर लेफ्ट साइड है, उस सर्कल के अंदर जो सर्कल है वो थोड़ा राइट साइड शिफ्टेड है, और जो राइट साइड इमेज है उस सर्कल के अंदर जो सर्कल है वो थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्टेड है। लेकिन स्टीरियोप्सिस की मदद से हमें जो फाइनल इमेज, कॉम्बिनेशन इमेज मिल रही है, उसका सर्कल एकदम सेंटर में है। तो यही स्टीरियोप्सिस होता है। स्टीरियोप्सिस में हमेशा हमें 3D व्यू मिलेगा। तो ये हो गए हमारे 3 ग्रेड्स ऑफ बायनोक्युलर सिंगल विजन। तो आइए एक बार हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं इन 3 ग्रेड्स का। ग्रेड 1 इज साइमल्टेनियस परसेप्शन, जिसमें कि हम दो अलग अलग इमेजेस को एक साथ देख सकते थे। ग्रेड 2 इज फ्यूजन, जिसमें हमारी आइज दो अधूरी इमेज को लेकिन सिमिलर इमेजेस को एक इमेज बनाकर दिखाती है। और ग्रेड 3 दैट इज़ स्टीरियोप्सिस में हमें 3-डायमेंशनल व्यू मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। सो गाइस, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं।
तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और ऐसी रिलेटेड वीडियोस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।